तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, टमाटर के साल भर में सबसे अच्छा दाम गर्मियों के समय में ही मिलता है। तब टमाटर के रेट 80 से 100 रुपए तक मिलता है। लेकिन गर्मी में टमाटर के फूल फल अच्छे से नहीं होता है। कुछ ही खास वेराइटीज़ है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़िया प्रोडक्शन देता है, जैसे सिंजेंटा का 62-42, 1057, साहू 32-51, सेमिनिस का अंसल और ननहेम्स का आर्या। आज हम इस वीडियो में सिंजेंटा साहू 32-51 के बारे में बात करेंगे। ये वैरायटी 50 से 60 दिन में फल देने वाली वैरायटी है, जिसका फल का साइज 80 से 90 ग्राम तक होता है। ये प्रति एकड़ लगभग 25 से 30 टन तक फलन देता है। ये बेस्ट वैरायटी माना जाता है और किसानों द्वारा बहुत पसंद भी किया जाता है। इस वैरायटी के टमाटर को हम अगस्त से मार्च महीने तक लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, साहू टमाटर की खेती ड्रिप और मल्चिंग के साथ किया गया है, जहाँ पे एक एकड़ में 4 पैकेट यानी 40 ग्राम सीड्स का इस्तेमाल किया गया है। किसान ने यहाँ पे कुछ अलग ही स्टेकिंग मेथड को यूज किए हैं पौधे को खड़ा करने के लिए। बांस का मदद से यहाँ पे मचान भी तैयार किया गया है और रस्सी की मदद से पौधे को खड़ा किया जा रहा है। इस टमाटर की प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 2 फीट रखा जाता है और रो टू रो डिस्टेंस 3 फीट रखा जाता है, जहाँ पे प्रति पौधा 10 से 15 केजी तक फलन देखने के लिए मिल जाता है। हम अभी हैं रांची के रंगामाटी में और यहाँ के एक किसान ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी खेती किए हैं। 3 स्टेज में इसका खेती किया गया है। एक ट्रांसप्लांट जून का हुआ है, दूसरा ट्रांसप्लांट अगस्त का हुआ है और तीसरा नवंबर का हुआ है, जहाँ पे किसान को अगले मॉनसून तक टमाटर की प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे यील्ड गैप देखने को नहीं मिलेगा और मार्केट रेट भी सही से मिलेगा। साहू 3251 की वेराइटी का 10 ग्राम बीज का दाम लगभग 1000 रुपये है, जहाँ पे हमें 3500 के करीब सीड देखने के लिए मिल जाता है। इस टमाटर का ट्रांसपोर्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ज़्यादातर किसान गर्मी में साहू टमाटर की खेती करते हैं।